स्टूडेंट्स हम सॉल्ट एनालिसिस स्टडी कर रहे हैं, इसके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर हम और सॉल्ट्स लेंगे. उनमें हम क्या स्टडी करेंगे, उनमें हम डिटेक्ट करेंगे कंसेंट्रेटेड एसिड ग्रुप रेडिकल्स. दो रेडिकल्स यहाँ पर हम मजीद डिस्कस करेंगे ऑफ कंसेंट्रेटेड एसिड ग्रुप. ठीक है, ये है एसिटेट आयन और नाइट्रेट आयन. ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं प्रोसीजर की तरफ. प्रोसीजर में फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई टेस्ट देखेंगे. इसमें हमारे पास सॉल्ट मौजूद है. टेस्ट ट्यूब ली हमने, स्पैचुला की मदद से हमने इसके अंदर जो है इस टेस्ट ट्यूब में जो है वो सॉल्ट डाल दिया. ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर हमने डाइल्यूट एसिड डाला. तो हम देखते हैं कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि इसके अंदर डाइल्यूट एसिड ग्रुप एब्सेंट है. ठीक है, नेक्स्ट हमने सॉल्ट जो है वो एक और टेस्ट ट्यूब में जो है वो स्पैचुला की मदद से डाल दिया. ठीक है, और उसके बाद हमने इसमें कंसेंट्रेटेड एसिड डाला. तो हम देखते हैं कि इसके अंदर से विनेगर लाइक स्मेल आना शुरू हो गई. ठीक है, तो हमें जब विनेगर लाइक स्मेल जैसे ही आएगी ना इसमें से, ये तो इसका कलरलेस गैस है. ठीक है, गैस के कोई कलर मौजूद नहीं होगा, लेकिन हम इसमें से विनेगर लाइक स्मेल आएगी तो हम फौरन से हमें पता चल जाएगा कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है. ठीक है, कंसनट्रेटेड एसिड की वजह से. और हम देखते हैं एसिटेट रेडिकल जो है वो डिटेक्ट हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारे पास जो प्रैक्टिकल नोटबुक है हम उसके अंदर जो है वो उसको नोट डाउन कर लेंगे. इसमें हमने यहाँ पर लिखा कि सॉल्ट में जब हमने कंसेंट्रेटेड एसिड डाला यानी सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन में क्या आया, कलरलेस गैस इवॉल्व हुई जिसकी स्ट्रॉन्ग विनेगर लाइक स्मेल थी. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या इन्फर किया कि एसिटेट आयन जो है यहाँ पर इंडिकेट हुआ है. ठीक है, यानी कि कंसेंट्रेटेड एसिड ग्रुप रेडिकल इंडिकेट हुआ जिसमें से एसिटेट आयन जो है वो इंडिकेट हो रहा है. अब इसको हम कंफर्म करने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट्स देख लेते हैं. फर्स्ट वन में ये ओरिजिनल सॉल्यूशन मौजूद है, फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया और हम क्या करेंगे इसके अंदर इसके फ्यू ड्रॉप्स डाल लेंगे. ठीक है, तो यहां पर जब हम इसके फ्यू ड्रॉप्स डाल रहे हैं, ये हमने इसके अंदर इसके फ्यू ड्रॉप्स डाल लिए. ठीक है, फेरिक क्लोराइड के. और फिर हम क्या करेंगे इस मिक्सचर को, ये जो हमारे पास अब मिक्सचर बन गया, इसको जब हमने हीट किया तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट्स आ गए जो हमें कंफर्म करते हैं कि एसिटेट आयन मस्ट बी प्रेजेंट. ठीक है, ये कंफर्मेशन हो गई. इसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे. इसमें हमारे पास ओरिजिनल सोल्यूशन मौजूद है. इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने यहाँ पे 1 ml इसके अंदर हम इथाइल अल्कोहल डालेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमने इथाइल अल्कोहल डाल लिया 1 ml. देन हम इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे. ठीक है, यहाँ से हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाली. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें देखते हैं कि जब हम इस टेस्ट ट्यूब के जो हम इसको यहाँ पर देखते हैं, इसमें से क्या आना शुरू हो जाएगी, इसमें से हमें फ्रूटी स्मेल जो है वो आना शुरू होगी. ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं ना, यहाँ से जब हमने इसको हीट किया तो इसमें से फ्रूटी स्मेल आएगी जिसकी वजह से हमें यहाँ एसिटेट जो है वो कन्फर्म हो जाएगा. ठीक है, फ्रूटी स्मेल की वजह से एसिटेट जो है यहाँ पे कन्फर्म हो रहा है. तो यहाँ पर हम अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको नोट कर लेंगे और किस तरह नोट करेंगे. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन हमने लिया था और हमने क्या किया था कि हमने फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया था. ठीक है, और फिर हमने इसके बाद फिर इस जो मिक्सचर को हमने हीट कर लिया था. ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या आ गए थे, हमारे पास जो है वो डार्क ब्राउन पीपीटी आ गए थे. ठीक है, और इसने क्या कन्फर्म किया था कि हमारे पास जो है वो एसिटेट आयन जो है वो कन्फर्म किया था. ठीक है, सेकेंड प्रैक्टिकल में हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर 1 ml 1 ml इथाइल अल्कोहल डाला था, फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाले और हमने जब हीट किया तो हमारे पास फ्रूटी स्मेल आई या बनाना लाइक स्मेल इसमें से आई. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी बनाना लाइक या फ्रूटी स्मेल होती है. और हमें यहाँ पे क्या कन्फर्म हुआ कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या मौजूद था, एसिटेट रेडिकल. डेफिनेटली हमारे सॉल्ट में एसिटेट रेडिकल मौजूद होगा, इसी वजह से हमारे पास ये प्रैक्टिकल इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आया. ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट केस देख लेंगे. नेक्स्ट केस में हम एक और सॉल्ट लेके उसका ट्राई टेस्ट करेंगे, जिसमें सॉल्ट ये टेस्ट ट्यूब है और सॉल्ट ये हमारे पास मौजूद है. स्पेचुला की मदद से जब हमने इसमें सॉल्ट डाला, ठीक है, ये हम सॉल्ट डाल दिया और इसके अंदर कंसनट्रेटेड एसिड डाला, तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पंजेंट सी यहाँ पे स्मेल प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जब हमने ग्लास रॉड रखी थी तो कोई फ्यूम्स नहीं आए, इसलिए क्लोराइड रेडिकल नहीं हो सकता. लेकिन हमने जैसे ही इसमें कॉपर टर्निंग्स डाली, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, हीट किया, तो हमारे पास ब्राउन फ्यूम्स निकले. ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स डेफिनेटली कॉपर टर्निंग्स डालने से अगर आ रहे हैं तो ये किसके हो सकते हैं, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि नाइट्रेट रेडिकल जो है वो डिटेक्ट हुआ है. ठीक है, तो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं.
सॉल्ट में हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो पंजेंट स्मेल आई, ठीक है ना, कलरलेस पंजेंट स्मेल ऑफ अ गैस हमें जो है वो फील हुई, ठीक है, जो कि हमने जब उसके पास हम जब ग्लास ड्रॉ डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेके गए तो हमारे पास कोई भी उसके अंदर से वाइट फ्यूम्स नहीं आए, ठीक है, लेकिन जब हमने इसके अंदर कॉपर टर्निंग्स डाली तो हमारे पास और हीटिंग की तो हमारे पास जो है वो ब्राउन गैस जो है वो इवॉल्व हुई, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इन्फ्रेंस यहां से हमें क्या हासिल हुई कि नाइट्रेट आयन इज इंडिकेटेड, ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं कि नाइट्रेट ही है कि नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक चाइना टाइल, व्हाइट चाइना टाइल ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये हमने टाइल ले लिया है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पर ओरिजिनल सॉल्यूशन का एक ड्रॉप डाल देंगे, ठीक है, ये हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन का एक ड्रॉप डाल दिया, उसके बाद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का भी एक ड्रॉप डाल देंगे, ठीक है, उसके बाद डाइफिनाइल अमीन लेंगे, ठीक है, और उसका भी इस पे एक ड्रॉप डाल देंगे, तो फौरन से हमारे पास ये जो है वो डीप ब्लू, ये जो यहाँ पे स्पॉट है ये डीप ब्लू कलरेशन देगा, जिससे हमारे पास क्या होगा, नाइट्रेट जो है वो कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, इस टेस्ट को हम स्पॉट टेस्ट कहते हैं, ठीक है, इसको हमने क्या कहते हैं, स्पॉट टेस्ट कहते हैं, और इसमें नाइट्रेट को कंफर्म किया है। एक और टेस्ट करेंगे, इसको ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं, ये भी एक फेमस टेस्ट है फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आइंस, ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रेट रेडिकल या नाइट्रेट आइंस को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ये नाइट्रेट का सोल्यूशन है, इन दोनों का हम जो है यहाँ पे नहीं देखेंगे, ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पर एक और चीज भी देख लेते हैं, ये फेरस सल्फेट भी मौजूद होगा फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आ जाते हैं और हमने यहाँ से अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन का, ये जो पीछे टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर डाल रहे हैं, इसको हमने रैक में रखा हुआ और इसके अंदर हम ओरिजिनल सॉल्यूशन डाला, ठीक है, फिर हमने फेरस सल्फेट भी इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, ये हमने इसके अंदर फेरस सल्फेट भी इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता 1 ml जो है वो वॉल के साथ करके, ठीक है, बहुत आराम से डालना है, वरना इसके हम एहतियात ना करें तो ये जो है वो इसके अंदर प्रॉपर रिंग नहीं बनता। तो ये देखें सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि डेंस होता है, इस वजह से देखें सल्फ्यूरिक एसिड इस ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ मिक्स नहीं हो रहा बल्कि नीचे जाके बैठ रहा है, ठीक है, और दोनों अलग अलग लेयर्स जो है इनके बीच में यहाँ पे ये ब्राउन सा जो है वो रिंग बनना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये जो ब्राउन रिंग है इसकी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर हम देख लेते हैं और इधर हम यहाँ पे ये ब्राउन रिंग की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है, ये देखिए ब्राउन रिंग की फॉर्मेशन, ठीक है ना, तो इसको हम पीछे व्हाइट पेपर रख के देखते हैं कि हमें क्लियर नजर आएगा कि ये किस तरह से ब्राउन रिंग बन रहा है। तो ये ब्राउन रिंग क्या प्रेजेंस शो करता है, नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज कंफर्म हुई, नाइट्रेट आयन जो है वो कंफर्म हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर अब हम अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में यहाँ पर ये चीज भी लिख देंगे। प्रैक्टिकल वन में हमने क्या किया, एक ड्रॉप ओरिजिनल सॉल्यूशन का लिया था और क्लीन चाइना टाइल पे हमने डाल दिया था, ठीक है, फिर एक ड्रॉप हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का उसमें डाला था, फिर एक ड्रॉप हमने डाइफिनाइल अमीन का डाला, तो हम देखते हैं कि डीप ब्लू कलरेशन या डीप ब्लू स्पॉट हमारे पास फॉर्म हुआ था, इससे हमारे पास नाइट्रेट आइन कन्फर्म हुआ था, ठीक है, कि हमारे पास सॉल्ट है उसके अंदर एक रेडिकल जो है वो नाइट्रेट का मौजूद है, ठीक है। दूसरे प्रैक्टिकल में हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया था, ठीक है, अबाउट 1 ml ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लिया था, उसमें 1 to 2 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया था और हमने अप्रोक्सीमेटली 1 ml इसके अंदर जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको भी हमने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत केयरफुली अलॉन्ग द वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब जो है वो उसको डाला था, ठीक है, हम तेजी से नहीं डालेंगे, हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से वॉल के साथ साथ करके डालेंगे वरना रिंग प्रॉपरली नहीं बनेगा, ठीक है, इस टेस्ट में हमें खास ख्याल रखना पड़ता है। तो ऑब्जर्वेशन ये आई कि नाइट्रेट आयन कंफर्म होगा अगर हमारे पास ब्राउन रिंग बनेगा एट द जंक्शन ऑफ टू लेयर्स, ठीक है, जो दो सॉल्यूशंस हैं हमारे पास उनकी जो लेयर आएगी या दो लिक्विड्स हैं उनकी जो लेयर्स हैं उनके तो दरमियान जंक्शन जो है ना उनका, उसमें जो है वो हमारे पास ब्राउन रिंग की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो वो हमारे पास नाइट्रेट आयन को कन्फर्म करता है। तो यहाँ पर हमने सॉल्ट एनालिसिस के ऐसा किया कि हमने दो सॉल्ट्स लिए और उसके अंदर हमने एसिड ग्रुप रेडिकल्स को जो है डिटेक्ट किया और उसमें से एक में हमने कंफर्म किया एसीटेट आयन को और दूसरे में हमने नाइट्रेट आयन को कंफर्म किया।